देखिए, एक ओर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ के, दूसरी ओर महायुति में भी यही तस्वीर है। सूत्रों के मुताबिक जिन 11 सीटों को लेकर विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विवाद वाली 11 सीटों पर सोमवार तक उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर महायुति को लेकर है। महायुति में भी सीट बंटवारे पर सस्पेंस, 11 सीटों पर पेच सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। खबर ये अब सामने आ रही है कि सोमवार को तय हो सकते हैं इन 11 सीटों पर उम्मीदवार। बीजेपी 155, शिंदे गुट 78 और अजित पवार गुट 55 सीट संभव। ये पूरा जो आखिरी सीटों का बंटवारा होगा वो इस तरीके से होगा कहा जा रहा है। देखिए, दिल्ली से नीरज पांडे मेरे साथ बने हुए और मुंबई से मृत्युंजय सिंह भी लगातार मेरे साथ बने हुए, लेकिन मृत्युंजय का सबसे पहले रुख करेंगे, उसके बाद नीरज आपके पास आ रही हूं। मृत्युंजय, अब ये महायुति को लेकर जो 11 सीटों का पेच फंसा हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, महायुति में लगभग सीटों की सहमति बन गई है, लेकिन यहाँ पर विषय है कि एक ही सीट पर जब शिवसेना के भी दावेदारी हो और बीजेपी की भी, इस प्रकार से 11 सीटें हैं। जैसे मुंबई की 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इस प्रकार के चर्चा चल रही है। एक कलीना की सीट है, एक वर्सोवा की सीट है, एक अंधेरी ईस्ट की सीट है, मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर की भी सीट है। अब यहाँ पर हल इस प्रकार से निकाला जा रहा है कि जैसे अंधेरी ईस्ट की सीट है, वहाँ से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा है, वो शिवसेना ज्वाइन किया था उन्होंने और वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी के वहाँ मुरजी पटेल हैं जो कि वहाँ के क्षेत्रीय बड़े नेता हैं, उनकी दावेदारी है कि वहाँ से चुनाव लड़े। अब इसका हल ये निकाला जाएगा कि मुरजी पटेल शिवसेना के टिकट पर लड़ेंगे, यानी उम्मीदवार बीजेपी का, सिंबल शिवसेना शिंदे का, इस प्रकार के हल निकाले जा रहे हैं। वैसे ही कलीना सीट है, कलीना सीट पर शिवसेना ने दावेदारी की थी लेकिन वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा। ज्यादातर संभावना है कि अमरजीत सिंह वहां से उम्मीदवार बनाया जाए, एक उत्तर भारतीय चेहरा है और अब तक उत्तर भारतीयों को बीजेपी ने मौका नहीं दिया है। इसी प्रकार से जो वर्सोवा की सीट है वहां पर भी बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है। इस प्रकार से सीटों को अदला बदली किया जा रहा है या उम्मीदवारों की अदला बदली की जा रही है। आपको बता दें कि संजय निरुपम जो कि शिवसेना के, नीरज भी मेरे साथ बने हुए। नीरज, देखिए, ये महागठबंधन में महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों में ही बहुत गांठें नजर आ रही है। अब महायुति का संभावित फॉर्मूला फाइनल क्या हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, संभावित फार्मूला जो करीब 10 दिन पहले तय हुआ था वो 151 और 151 के साथ 84 और 53 ये फार्मूला तय हुआ था महायुति के बीच। लेकिन चूंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं मृत्युंजय कि कई ऐसी सीटें हैं, अभी तक 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। इससे साफ है कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो सीटों की जो अदला बदली होती है उसमें ग्राफ ऊपर नीचे होता ही है। तो जैसा बता रहे हैं खुद मृत्युंजय कि 155 के आसपास भाजपा लड़ सकती है, 78 के आसपास शिवसेना लड़ सकती है। शिवसेना इकलौती ऐसी पार्टी है इस पूरे गठबंधन में जो कहीं भी सीटों का, 2-4 सीटों का समझौता करने के लिए तैयार है, और उसके पीछे के तैयार होने के पीछे का तर्क ये है कि ज्यादा गठबंधन में रहने में ही शिवसेना का फायदा है। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई गठबंधन के बीच में आपस में असमंजस की स्थिति हो या आपस में विवाद पैदा हो। यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, एक बैठक अभी और होने वाली है जिसमें फिर एक बार अमित शाह और तीनों बड़े नेता बैठेंगे, और जो ये सीटों का विवाद है 11 सीटों का, अभी तो केवल ये कहा गया कि आप ग्राउंड पे जाइए और जाकर इनको, इसको हल कीजिए। सीटों का जो विवाद है उसका निपटारा जल्द ही कर लिया जाएगा। बैठकों, मंथनों का दौर लगातार चल रहा है। शुक्रिया नीरज आपका, और मृत्युंजय आपका भी, जैनेन्द्र भी जुड़े हुए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।